आज की वीडियो में हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर को इस्तेमाल करते हैं। इस टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग आईडी देख सकते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जब भी कभी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं सी लैंग्वेज में, तो हर स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए, उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए एक सिंबल यूज होता है, जिस सिंबल को हम लोग सेमी कॉलन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट से मैंने लिखा है यहाँ पे ए, इंट ए, तो इंट ए का मतलब है यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस लाइन को प्रॉपर खत्म नहीं करूंगा और इसको मैं जब रन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे कंपाइलर मुझे एक एरर दे देगा क्योंकि मैंने इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली खत्म नहीं किया, स्टेटमेंट को मैंने प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं किया। तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकॉलन। तो अब आप देखिए, अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन और कंपाइल करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम ने मुझे कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं किया। तो हम कोई भी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो हर स्टेटमेंट को हम लोग टर्मिनेट करेंगे एक सिंबल से, जिस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सेमीकॉलन। तो प्रिंट एफ में अगर मैं लिख लेता हूँ हेलो, अगेन इसको भी टर्मिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पे सेमीकॉलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से एरर जनरेट हो गया और जब मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा तो यहाँ पे इसने प्रॉपर मुझे जो इसकी आउटपुट थी वो डिस्प्ले करवा दी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होते हैं और हम इसको किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं और इसकी प्रोग्राम में, हमारे सी के प्रोग्राम में क्या इंपॉर्टेंस होती है।